श्री महामती जी के धाम हृदय में जो इल्म का अनंत सागर लहरा रहा है, सतगुरु महाराज की प्रेरणा से, उनकी कृपा दृष्टि कुछ बूंदे उसका भी करुणांश मेरी आत्मा के अंदर आया। मेरा जीव जितना पात्र हो सकता था उसको उतना ग्रहण कर और उसको सेवा के रूप में मैंने शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि जो टीका में लिखा है उसको अक्षर से सत्य अपमान लीजिए। मेरे जीव ने जितना ग्रहण किया सतगुरु महाराज की मेहर को वो सही होगा, और कहीं अहंकार से मेरे जीव में भाव आ गया होगा, गलती हो गई होगी, तो देश विदेश के सब सुंदर साथ से आग्रह में कहता हूँ कि उस भूल को आप स्वयं सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि मैं एक अल्पज्ञ हूँ। मेरा कभी दावा नहीं है कि मैं सबको जानता हूँ। मैं तो ज्ञान के सागर में एक बूंद न था, न हूँ, न कभी हो पाऊंगा। इसलिए राज्य की कृपा का ये वरदान समझकर छोटी सी सेवा हो पाई उसको आप ग्रहण कीजिए। संभव है राज्य आपके हृदय में इससे भी कई गुना ज्ञान का प्रकाश करते हैं, तो उस ज्ञान के प्रकाश को सारे संसार में फैलाइए, मेरी यही शुभकामना है। हमेशा अपना हृदय खुला रखना चाहिए, ज्ञान की ज्योति जलती रहे यही प्रयास करना चाहिए। कहीं रूढ़िवादिता न घर कर जाए कि जो टीका में लिखा है वही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य वाणी में है। मेरी सामर्थ्य जितनी थी उसको मैं प्रयास किया कि प्रस्तुत कर सकूं, उसमें मेरी असफलता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव तन में और संभव है मेरे जीव में उसको ग्रहण करने की पात्रता भी न रही हो। हाँ, सतगुरु महाराज की अपार कृपा रही है, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की अपार छत्र छाया में बैठकर सरकार श्री की प्रेरणा से ये कार्य पूरा हुआ है। देश विदेश के जो भी सुंदर साथ को इसको इसमें त्रुटियां दिखाई दें उसको स्वयं सुधारें, मुझे भी बताने का प्रयास करें ताकि मैं उसको स्वयं सुधार सकूं। और मैं आशा करता हूं कि तारतम वाणी का प्रकाश फैलाने में आप सब सुंदर साथ सहभागी बनेंगे। सबकी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में मैं सत्संग प्रणाम करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि देश विदेश का सभी सुंदर साथ टीका में होने वाली भूलों को मुझे क्षमा कर देगा। प्रणाम जी। जो युवा होता है उसके शरीर में शक्ति होती है, वो कार्य करता है, उसमें जोश तो होता है किंतु होश नहीं होता है। और जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है शरीर में शक्ति तो नहीं होती है लेकिन वो पूरे होशो हवास में होता है। उसकी बूढ़ी आंखों ने संसार को बहुत लंबे समय से देखा होता है। इसलिए कोई भी कार्य तभी सफल होता है जिसमें वृद्ध व्यक्ति हो। ये बुढ़ापा ऐसा होता है जिससे कई लोग दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर से हमेशा सुंदर बना रहूं। लेकिन आप सोचिए, यदि मनुष्य को वृद्धावस्था न आए तो शायद लोग नास्तिक हो जाएं। मृत्यु और वृद्धावस्था ही तो है जो मनुष्य को शरीर से के अहंकार से रहित करती है और विवश करती है ये मानने के लिए कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जिसके आगे तुम विवश हो। जो समाज अपने वयोवृद्ध जनों का सम्मान नहीं करना जानता वो नष्ट हो जाता है। आज कल क्या चल रहा है, बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं या ऊंची पढ़ाई करके अमेरिका चले जाते हैं, माता पिता हिंदुस्तान में रहते हैं। अमेरिका के वैभव में जाकर बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारे वृद्ध माता पिता ने किस तरह से पढ़ाई कराई होती है। एक ऐसा समय आ जाता है जब उनको पूछने वाला कोई नहीं होता कि भाई तुम कैसे हो, आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं लेकिन बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद होता है वो मिलना बहुत दुर्लभ होता है। आप देखिए, हमारे बीच में मल्होत्रा जी बैठे हैं जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, उनकी उम्र 86-87 साल की है। सेठी जी की भी उम्र
मेरी समझ से 80 के आसपास होगी। सत्या जी भी इन्हीं की उम्र के हैं शायद, गिरधर जी भी इन्हीं की उम्र में हैं, आर्या साहब 74 साल की उम्र हैं, और हमारे बीच में जो मार्फत का जान देते हैं सागर सिंधार जिनकी नस नस में विराजमान है, श्रीवास्तव जी को तो सब जानते ही हैं। हो सकता है कि नई उम्र में कोई ओजस्वी प्रवक्ता निकल जाए, लेकिन अनिल जी ने तो एक लंबा अरसा देखा है, इन आंखों में एक ज्ञान की गहराई है, अनुभव है। गिरधर जी ने मन संचालन बहुत किया है, उन्होंने परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को देखा, सरकार श्री के साथ रहे, मेरे साथ भी उनका प्रेम रहा, वो इस समय उपस्थित नहीं है, मेरी बहुत इच्छा थी। सेतिया जी को सब जानते ही हैं, सेतिया जी ने कैसे कैसे सारा कार्य किया। अब देखिए, अब सेठी जी चलते होंगे तो नई पीढ़ी का बच्चा क्या सोचता होगा कि कैसे लंगड़ा कर चलते हैं, मैं तो दौड़ कर चलता हूँ, ये नहीं देखना चाहिए। एक दिन जो बच्चा होगा उसकी भी शरीर की हालत ये होनी चाहिए। जो महान होता है वह वयोवृद्ध जनों का सम्मान करता है। आप कितने भी बड़े बन जाइए लेकिन बड़ों का सम्मान करना मत भूलिए। उनके हृदय से जो आशीर्वाद के शब्द निकलते हैं उससे आप फलीभूत होंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर ज्ञानपीठ के विकास में इन सभी महानुभावों का विशेष योगदान है, और अपने घर के ही सदस्यों को क्या सम्मानित करना, ये तो एक औपचारिकता लगती है, लेकिन केवल एक संदेश देना है कि ज्ञानपीठ की मर्यादा में ऐसा कभी न आए कि किसी वयोवृद्ध का कोई नई उम्र वाला व्यक्ति, चाहे ट्रस्ट की दृष्टि से हो, चाहे विद्वता की दृष्टि से हो, चाहे धन के दृष्टि से हो, कोई अपमान करे, और ज्ञानपीठ के प्रांगण में आकर कोई वयोवृद्ध अपमान का अनुभव न करे, उसको लगे कि ज्ञानपीठ मेरा है, मेरी शुभकामनाओं की छत्रछाया में ज्ञानपीठ फला बुला है। इसलिए मेरे मन में जिज्ञासा आई कि जो भी सुंदर साथ ज्ञानपीठ से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से इस ज्ञानपीठ के वृक्ष को सिंचा है, उनकी ढलती उम्र में ज्ञानपीठ अपने हृदय के प्रेम पुष्प विकसित प्रस्तुत करें, और इनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे ज्ञानपीठ के हर कार्य में, ताकि ज्ञानपीठ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करता रहे। मैं आशा करूँगा कि सेठी जी, मल्होत्रा जी, श्रीवास्तव जी, गिरधर जी, आर्य साहब और सेतिया जी, ज्ञानपीठ परिवार जिसमें ट्रस्ट भी आता है, विद्युत मंडल भी आता है, समस्त सुंदर साथ आता है। ज्ञानपीठ परिवार का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विद्वत मंडल, संपूर्ण ट्रस्ट मंडल, और यहाँ आने वाले न आने वाले जो यहाँ के सिद्धांत को मानते हैं, सभी सुंदर साथ, सबके हृदय में आप सभी वयोवृद्ध पूज्य जनों के लिए श्रद्धा है, उस श्रद्धा को स्वीकार करें और अपना प्रेम भरा आशीर्वाद ज्ञानपीठ पर बनाए रखें।
प्रार्थना।